बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। दिस इज रिसेप्शन वन इंग्लिश लेसन नंबर वन एंड द टॉपिक इज लेटर्स आई एंड जे। जी डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज लेटर आई एंड जे। लर्न विद मी। लेटर इज आई, साउंड इज ई। लेटर इज आई, sound is E. Next sound is letter is J, sound is J. Letter is J, sound is J. Dear students, today your task is we will learn about letters I and J and its vocabulary words. Okay, dear students, आज हम letter I and J लर्न करेंगे और साथ में इसके वोकेबुलरी वर्ड्स लर्न करेंगे और साथ इसके आप डिक्टेशन सॉरी इसके साथ आप इसकी राइटिंग राइट करेंगे अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न वोकेबुलरी वर्ड्स। लेटर आई। लेटर इज आई, साउंड इज ई। लर्न विद मी। लेटर इज आई, साउंड इज ई। फर्स्ट वोकेबुलरी वर्ड इज ई इंक। E ink, E ink, E igloo. Learn with me. E igloo, E igloo, E ice cream, E ice cream. Learn with me. E ink, E igloo, E ice cream. Okay. Next vocabulary word is let vocabulary of letter J. Letter is J, sound is J. Learn with me. Letter is J, sound is J. And the learn vocabulary word J, jug. J, jug. J, jug. J, jar. J, jar. J, jar. J, jeep. J, jeep. Learn with me. J, jug. J, jar. J, jeep. Very good. Dear students, before we begin, please make sure that you have your books, notebooks and your complete stationery available with you. Dear students, काम शुरू करने से पहले आपके पास आपकी क्लास वर्क नोटबुक, आपकी जोलिफोनिक बुक एंड आपकी कंप्लीट स्टेशनरी पेंसिल इरेजर शॉर्पनर का होना ज़रूरी है. Listen to the teacher carefully. Follow all given instructions. Do your work neatly. आप टीचर की बात को ध्यान से सुनेंगे, जैसे टीचर बताएंगी आप वैसे वैसे काम करेंगे टीचर के साथ और आप अपना काम नीट करेंगे. और आज का आपका काम आपने करना है अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे. ओके, आपको जहाँ लगे कि आपकी वीडियो तेज़ चल रही है, आपको कुछ काम समझ नहीं आ रहा, तो आपने अपनी वीडियो को पॉज कर लेना है और पॉज करने के बाद आपने उसको दोबारा से ओपन करके फिर आगे से काम करना है. पॉज करने के दरमियान आपने अपना काम जो रॉन्ग हुआ है, अगर काम आपका थोड़ा सा तेज़ वीडियो से चलने की वजह से थोड़ा सा रुक गया है, थोड़ा सा रह गया है, तो आपने उसको कंप्लीट करना है और उसके बाद वीडियो को आपने चलाकर आपने अपना नेक्स्ट काम करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेटर्स ए टिल एच की रिवीजन करेंगे. जैसे कि हमने क्लास में इन लेटर्स को कंप्लीट कर लिया है, इनका काम और इनकी राइटिंग हमने आपने अपनी नोटबुक पर डन कर ली है. आज हम इसकी लर्निंग करेंगे और आपका जो पेज दिया है उसकी उस पेज पे आप सबसे पहले लेटर ए टिल एच लिखेंगे, उसके बाद आपने लेटर आई का साउंड राइट करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट साउंड एंड लेटर आप मुझे बताएंगे, ठीक है. लेटर इज ए, साउंड इज ए. लेटर इज ए, साउंड इज ए. वेरी गुड. नेक्स्ट साउंड इज, ये आपको पता है, आप सबको लर्निंग इसकी आती है जी. लेटर इज बी, साउंड इज ब. वेरी गुड. लेटर इज बी, साउंड इज ब. नेक्स्ट इज लेटर इज सी, साउंड इज ख. लेटर इज सी, साउंड इज ख. लर्न विद मी. लेटर इज डी, साउंड इज ड. लेटर इज डी, साउंड इज ड. लेटर इज ई, साउंड इज ए. लेटर इज ई, साउंड इज ए.
letter is F, sound is, letter is F, sound is, letter is G, sound is G. Learn with me, letter is G, sound is G. Next is, letter is H, sound is H, letter is H, sound is H, letter is H, sound is H. Very good. Next, again teacher एक बार आपको learn करवाएंगे, आप सब मेरे साथ दोबारा से इसकी एक बार learning करेंगे, ठीक है? Letter is A, sound is A, letter is B, sound is B, letter is C, sound is K, letter is D, sound is D, letter is E, sound is E, letter is F, sound is F, letter is G, sound is G, letter is H, sound is H. Very good. Now open your classwork notebook. Have you opened it? Very good. Okay dear students, आपने अपने classwork notebook पे वो page open करना है जिसपे आपने sound A till I write करने हैं, ठीक है? जैसे teacher ने आपको पीछे बताया है कि आप सबसे पहले notebook के page के ऊपर A till H लिखेंगे, उसके बाद आप I की writing लिखेंगे, ठीक है? एंड डेट एंड डे आपकी मेंशन है, जिस डेट एंड डे पे आप काम कर रहे हैं, और आपका टॉपिक भी मेंशन है. लेटर इज आई, साउंड इज ई. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले लेटर ए टिल एच ऊपर रिवाइज करेंगे, राइटिंग उसकी राइट करें आप. उसके बाद आपने जो आप ऊपर राइटिंग राइट करेंगे वो बहुत नीट राइट करेंगे, डॉट पे डॉट से काम स्टार्ट करेंगे, डॉट के से नीचे या पीछे से काम स्टार्ट नहीं करेंगे, डॉट से आप काम करेंगे. जल्दी से पहले लेटर ए टिल एच राइट राइट करें. इसके बाद टीचर आपको बताएंगी कि आपने लेटर ई और उसका साउंड कैसे राइट करना है, सॉरी आपने लेटर आई और उसका साउंड कैसे राइट करना है, ठीक है जी. डियर स्टूडेंट्स, आप सबका काम हो गया है, वेरी गुड. अब देखते हैं हम लेटर आई कैसे राइट करना है. जी, लेटर आई के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन से आप स्टार्ट करेंगे लेटर आई, और थर्ड लाइन तक आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ठीक है. उसके बाद आपने फर्स्ट लाइन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगाएंगे, जैसे आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और आप अपने नोटबुक पे भी देख सकते हैं. जैसे आपने टीचर ने लाइन के आई के ऊपर और नीचे वाली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन और थर्ड वाली लाइन के ऊपर आपके थोड़ी छोटी छोटी लाइन्स लगाई हुई हैं, तो जब आप लाइन्स बना लेंगे तो आपका आई लेटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. जल्दी से आप ऐसे आई लिखें. इसके बाद आपने साउंड कैसे बनाना है. साउंड आप सेंटर वाली टू लाइंस में बनाएंगे. फर्स्ट सेंटर वाली टू लाइंस में के लिए सबसे पहले आप सेंटर वाली सेकंड लाइन से आप स्टार्ट करेंगे. सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, और फिर थर्ड लाइन पर जहाँ आपने स्ट्रेट लाइन ख़त्म की थी वहीं से आप उसकी छोटी सी लूप बनाएंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप अपनी नोटबुक पे भी देख सकते हैं. उसके बाद आप एक छोटा सा ऊपर डॉट लगा देंगे, तो ये आपका साउंड बन जाएगा. लेटर इज आई, साउंड इज ई. ओके, नेक्स्ट ऐसे ही दोबारा से आप एक बार फिर से अपनी नोटबुक पे लिखेंगे. जल्दी से आप इस पेज को डन करें. हैव यू डन? वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट पेज इज, अब आपने नेक्स्ट पेज ओपन करना है. नेक्स्ट पेज पे भी आपकी डेट एंड डे मेंशन है, जिस डेट एंड डे पे आप काम कर रहे हैं, और आपका टॉपिक भी मेंशन है. टॉपिक इज लेटर जे, लेटर जे, साउंड इज ज, लेटर जे, साउंड इज ज. जी, अब लेटर जे की आपने राइटिंग करनी है. लेटर जे के लिए भी सबसे पहले आप लेटर ए टिल आई ऊपर राइटिंग राइट करेंगे, उसके बाद आप नीचे जे की राइटिंग करेंगे. जल्दी से सब स्टूडेंट्स पहले ए टिल आई की राइटिंग ऊपर राइट करें, फिर उसके बाद टीचर आपको बताएंगी कि आपने लेटर जे कैसे राइट करना है और इसका साउंड कैसे आपने राइट करना है, ठीक है. जल्दी से अच्छी अच्छी सी राइटिंग राइट कर लें आप. हैव यू डन? ओके, नाउ स्टार्ट लेटर जे. लेटर जे के लिए सबसे पहले आप लेटर जे जो आप बनाएंगे वो आप फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक बनाएंगे, ठीक है. फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन आप पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और थर्ड लाइन जहाँ पे आपने एंड की है, सॉरी थर्ड लाइन तक जहाँ आपने स्ट्रेट लाइन एंड की है वहीं पे आप इसकी थोड़ी सी ऊंची ज़्यादा गोल करके आप इसकी लूप बनाएंगे, और फर्स्ट लाइन से जहाँ से आपने लेटर जे बनाना स्टार्ट किया था
वहाँ पे आप एक, जैसे आपने आई की लाइन लगाई थी वहाँ पे एक छोटी सी आप लाइन लगा देंगे तो ये लेटर जे बन जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका साउंड आपने कैसे बनाना है, साउंड के लिए भी सबसे पहले आप जैसे आपने लेटर जे बनाया था वैसे ही आप इसका साउंड बनाएंगे। लेटर जे के ऊपर आपने लाइन लगाई थी छोटी सी, और जबकि आप लेटर साउंड जे के लिए, साउंड जे के लिए आप डॉट लगाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा आप डॉट लगाएंगे जो आपके लेटर जे के साथ टच नहीं होगा, वो थोड़ा सा आप ऊंचा लगाएंगे, ठीक है। आपने उसको साउंड के साथ टच नहीं करना, आप उसको साउंड से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। और आप सब मेरे साथ अब साउंड लर्न करें और साथ में इन लेटर और साउंड की, जे की राइटिंग राइट करें। लेटर इज जे, साउंड इज ज। लेटर इज जे, साउंड इज ज। हैव यू डन? वेरी गुड जी डियर स्टूडेंट्स। अब अपनी वीडियो को आप पॉज करें, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपने दोनों पेजेस पे देखें कि आपने दोनों पेजेस जो काम किए हैं क्या वो ठीक किया है। अगर उनमें कोई रॉन्ग है तो आप उसको इरेज करें और दोबारा से इसको ठीक करें। हैव यू डन? वेरी गुड। नाउ टुडे योर होमवर्क इज डू कॉपी वर्क, राइट लेटर्स ए टिल जे। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने आई एंड जे अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे राइट किए हैं 2 पेज, ऐसे ही आपने अपनी होमवर्क नोटबुक पे भी आपने ये 2 पेज राइट करने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट होमवर्क इज डू पेज नंबर 5 एंड 21 ऑन बुक जोलीफोनिक्स। जी, आपने जोलीफोनिक्स बुक पे पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 21 आपने उस पर ट्रेसिंग और राइटिंग करनी है लेटर आई एंड जे की, और साथ में आपने उसमें वोकेबलरी वर्ड्स में आपने कलर करने हैं। वोकेबलरी वर्ड्स की जो पिक्चर्स दी हुई हैं आपने उनमें कलर करने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जी, आज का आप सबको 2 साउंड्स आपको समझ आ गए हैं? आपने आज को कौन से 2 साउंड्स किए हैं मुझे दोबारा से बताएं आज। जी, आज हमने किया लेटर आई, साउंड इज ई। लेटर जे, साउंड इज ज। वेरी गुड। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ आवर लेसन। अल्लाह हाफिज़।